हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है पब्लिक वाटर सप्लाई। तो प्यारे बच्चों, पब्लिक वाटर सप्लाई में हम लोग 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसका नाम था क्वांटिटी ऑफ वाटर और दूसरा नाम था सोर्स ऑफ वाटर। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ सोर्स वाटर। तो प्यारे बच्चों, क्वालिटी ऑफ सोर्स वाटर में हम लोग पढ़ेंगे मेनली 2 प्रकार के क्वालिटी पैरामीटर, जिसमें हम लोग है फिजिकल पैरामीटर्स, दूसरा है केमिकल पैरामीटर्स, ऐसे में तीसरा पैरामीटर भी पढ़ेंगे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिकल पैरामीटर्स ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और हम लोग बात कर रहे थे केमिकल पैरामीटर्स के बारे में। तो पहला प्यारे बच्चों, केमिकल पैरामीटर्स में पहला पैरामीटर हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, जिसका नाम था पीएच एंड पीओएच वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करेंगे दूसरे केमिकल पैरामीटर्स के बारे में, जिसका नाम है हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या नाम है? हार्डनेस ऑफ वाटर। तो समझिए प्यारे बच्चों, हार्डनेस होता क्या है। आपको पता होगा हार्ड वाटर किसको कहा जाता है। हार्ड वाटर उस वाटर को कहा जाता है जिसमें, मतलब पानी में अगर साबुन या सर्फ, मतलब साबुन या डिटर्जेंट पाउडर को मिलाया जाए, साबुन या डिटर्जेंट पाउडर को मिलाया जाए तो झाग पैदा नहीं लेगा, दैट मीन्स फोम और लेदर का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, कपड़ा वगैरह अगर खींचते हैं और हार्ड वाटर होता है तो कपड़ा सही से साफ नहीं होता है, क्योंकि वह उस पानी में झाग उत्पन्न प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। बात समझ में आया? तो हम क्या बोले, हार्ड वाटर वह वाटर होता है, हार्ड वाटर वह वाटर होता है जिसमें साबुन या सर्फ डालने पर फोम का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हम ये बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, हार्डनेस वाटर का ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसमें फोम और लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब हम हार्ड वाटर में क्या डालते हैं, डिटर्जेंट पाउडर या साबुन डालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, हार्डनेस जो होता है पानी में वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कार्बोनेट हार्डनेस और दूसरा होता है प्यारे बच्चों नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। दूसरा क्या होता है? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, और पहला होता है कार्बोनेट हार्डनेस। प्यारे बच्चों, कार्बोनेट हार्डनेस को हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस भी कहते हैं और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को हम लोग परमानेंट हार्डनेस भी कहते हैं। पहला ये समझिए प्यारे बच्चों, हार्डनेस जो वाटर में आता है, मतलब ऐसा किसके कारण, मतलब किस गुण के कारण पानी हार्ड हो जाता है या किस कारण से पानी हार्ड हो जाता है, ये समझिए। देखिए प्यारे बच्चों, किस कारण से पानी हार्ड होता है। अगर आपके पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, और वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ये भी जान लीजिए। अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है और पानी में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोरीन। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है या हम बोल सकते हैं कार्बोनेट प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब आपका ये दोनों में से कोई अगर इसके साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है तो पानी हार्ड हो जाता है, और वैसे हार्ड वाटर को कहा जाता है कार्बोनेट हार्डनेस। समझे प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, फिर से समझते हैं। अगर पानी में कैल्शियम और पानी हार्ड होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण, मेनली किस कारण, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण। अब ये कैसे हार्ड होता है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है या तो इन दोनों से। अगर इन दोनों से रिएक्ट किया है तो वो कहलाता है कार्बोनेट हार्डनेस। अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम इन दोनों से आपका रिएक्ट किया है तो कहलाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्या कहलाएगा? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहलाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? हमने क्या बोला, कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, 2 प्रकार के हार्डनेस होते हैं, कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट। तो पहला बात हमको यह समझना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर पानी में प्रेजेंट है तो पानी को हार्ड कर देगा। अब कार्बोनेट हार्ड करे या नॉन कार्बोनेट हार्ड करेगा वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके हार्डनेस को फॉर्म कर रहा है तो बनेगा कार्बोनेट हार्डनेस।
अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बनेगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलिए अब हम यहां बोर्ड पे देखते हैं प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा है। हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बाय विच नॉट प्रोड्यूस फोम और लेदर व्हेन सोप और डिटर्जेंट पाउडर इज एडेड इन वाटर। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, हार्डनेस वाटर का वह प्रॉपर्टीज है, हार्डनेस वाटर का वह प्रॉपर्टीज है जिससे कि फोम और लेदर का प्रोडक्शन नहीं होता, मतलब फोम मतलब वही झाग, फोम और लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता। कब? जब वेन सोप और डिटर्जेंट पाउडर इन एडेड इन वाटर, जब हम पानी में साबुन या सर्फ मिलाते हैं तो फोम और लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो पानी का वही प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, हार्डनेस कहलाता है। बात समझ में आया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो पहले चौथे बोला दो प्रकार का हार्डनेस होता है, कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस इज ऑकर्स इन वाटर, फर्स्ट इज कार्बोनेट हार्डनेस और सेकेंड इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो पहले बच्चों हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कार्बोनेट हार्डनेस का और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का। तो पहले बच्चों हमने क्या बोला, कार्बोनेट हार्डनेस हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट हार्डनेस बनेगा। अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बनेगा। एक बात और जान लीजिए प्यारे बच्चों, कार्बोनेट हार्डनेस जो है, कार्बोनेट हार्डनेस को अगर हटाना है ना तो पानी को सिंपल गर्म कर दीजिए। जैसे आप पानी को गर्म कीजिएगा दैट मीन्स बॉइल कीजिएगा तो उसका कार्बोनेट हार्डनेस या टेम्पोररी हार्डनेस खत्म हो जाएगा। बट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए आप गर्म कीजिएगा तो हटने वाला नहीं है। तो अगर आप परमानेंट हार्डनेस को हटाना चाहते हैं तो हमको कुछ मेथड अप्लाई करना होगा। उस मेथड का नाम है जियोलाइट प्रोसेस। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जियोलाइट प्रोसेस, या उसी को बोलते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस। और दूसरा जो प्रोसेस है लाइम सोडा प्रोसेस। तो परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग लाइम सोडा प्रोसेस करते हैं या जियोलाइट प्रोसेस करते हैं, बट दोनों में जो बेटर होता है वो होता है जियोलाइट प्रोसेस, या उसी को क्या बोलते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस। अगर आपको बोले कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को या परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे बेस्ट प्रोसेस कौन सा है, तो वो आपका है जियोलाइट प्रोसेस। ये जियोलाइट प्रोसेस होता क्या है या आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता क्या है अब हम इसको पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अब हम देखेंगे कार्बोनेट हार्डनेस। तो देखिए क्या हमने लिखा है, इफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन वाटर। अगर पानी में कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रेजेंट हो, दैट मीन्स CaCO3 या MgCO3 या Ca2SO3 या Mg2HCO3। अगर आपका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो वैसे हार्डनेस को हम लोग बोलेंगे कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है ना। तो यही बात हमने लिखा है बच्चों, इन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन वाटर दैट वाटर बिकम्स हार्ड। अगर आपके पानी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है वह वाटर हार्ड हो जाता है एंड दैट हार्डनेस इज कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस। और वैसे हार्डनेस को हम लोग कहेंगे कार्बोनेट हार्डनेस करते हैं, और कार्बोनेट हार्डनेस को हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस भी कहा जाता है। पहले बच्चों हमने क्या बोला था कि टेम्पोररी हार्डनेस को हटाना है तो सिंपल पानी को बॉइल कर दीजिए आपका टेम्पोररी हार्डनेस कट जाएगा। तो टेम्पोररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस से ही आपका क्या हो जाता है, टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव हो जाता है। और कार्बोनेट हार्डनेस कब बन रहा था पहले बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब हम लोग देखेंगे पहले बच्चों नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में क्या हुआ, सल्फेट्स और क्लोरीन पाया जाएगा किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को ही हम लोग परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, है ना। अब परमानेंट हार्डनेस सिंपल बॉइलिंग से हटेगा नहीं, इसको हटाने के लिए आपको क्या चाहिए, जियोलाइट प्रोसेस या लाइम सोडा प्रोसेस। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखे हैं, इफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन वाटर। अगर
सल्फेट्स और क्लोराइड्स का कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट हो वाटर में तो वाटर बिकम्स हार्ड, तो वाटर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, एंड दैट हार्डनेस इज कॉल्ड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, और वैसा हार्डनेस क्या कहलाएगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, और उसको परमानेंट हार्डनेस भी कहते हैं। परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग, प्यारे बच्चों परमानेंट हार्डनेस को सिंपल बॉइलिंग से हटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, परमानेंट बॉइलिंग, सॉरी परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय जोलाइट प्रोसेस, जिसका दूसरा नाम है आयन एक्सचेंज प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस है लाइम सोडा प्रोसेस। प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि किस किस प्रोसेस से आपका परमानेंट हार्डनेस हटाया जाता है, तो जोलाइट प्रोसेस या उसी को कहते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस, और एक दूसरा प्रोसेस का नाम है लाइम सोडा प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा था प्यारे बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, सल्फेट और क्लोरीन के साथ। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हार्डनेस का, तो ये तो था प्यारे बच्चों हार्डनेस होता क्या है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग ये देखेंगे कि पानी में कैसे हम हार्डनेस के क्वांटिटी को मेजर करेंगे, दैट मीन्स अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस को कैसे मेजर किया जाता है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों हार्डनेस को मेजर करने के लिए हम लोग टाइट्रेशन प्रोसेस को अपनाते हैं। टाइट्रेशन प्रोसेस क्या होता है आप लोगों को तो पता होगा नहीं, क्यों तो आप कहिएगा कि सर बताइएगा, तब पता होना चाहिए, नहीं। जो जो बच्चा टेंथ में या इलेवेंथ या ट्वेल्थ में लेबोरेटरी क्या होगा, लैब क्या होगा, केमिस्ट्री का अगर आप लोग लैब किए होंगे तो आप लोग को पता होगा, बट हमको ये भी पता है कि आप लोग किए ही नहीं होंगे, नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, तो समझ लीजिए प्यारे बच्चों कम से कम रट लीजिए कि होता क्या है। तो पहला बात हम लोग क्या बोले, ये बात याद रखिएगा पहला कि हाइड्रेशन को मतलब हाइड्रेशन अगर निकाल सॉरी हार्डनेस जब निकालते हैं, जब हम पानी का हार्डनेस निकालने जाते हैं तो कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, टाइट्रेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, टाइट्रेशन प्रोसेस। अब देखिए पहले जो टाइट्रेशन प्रोसेस होता है, अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपको पता होगा, देखिए इस तरह का सिस्टम अरेंजमेंट बना हुआ रहता है, ठीक है ना। ऊपर एक ग्लास बना हुआ रहता है, पतला सा ग्लास का ट्यूब बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग ब्यूरेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूरेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरेट। ऊपर पतला से एक ग्लास का नली बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरेट कहते हैं। नीचे क्या होता है, ग्लास का फ्लास्क होता है, जिसको बोतल भी बोल सकते हैं। अब हम क्या किए प्यारे बच्चों, इसमें हम रख लिए अपना हार्ड वाटर, हम इसमें क्या कर लिए, हार्ड वाटर रख लिए, इसमें क्या रखे, हार्ड वाटर। अब देखिए प्यारे बच्चों इस ब्यूरेट में ये जो पतला वाला जो ग्लास का नली है, इसको ब्यूरेट कह रहे थे, इस ब्यूरेट में हम लोग रख लिए EDTA, EDTA एज अ टाइट्रेंट, टाइट्रेंट मतलब यही रिएक्शन करेगा। प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इस फ्लास्क में हमने हार्ड वाटर को रखा और इस ब्यूरेट में हम लोग रखे EDTA। EDTA का पूरा नाम है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, लिखा हुआ होगा बोर्ड पे, आप बता देंगे इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक रहता है बटन, जैसी बटन को ओपन करेंगे तो ये जो टाइट्रेंट है वो बोतल के नीचे एक एक बूंद करके क्या होगा, नीचे गिरेगा। जैसे ही हम इस ब्यूरेट के दरवाजा को खोलेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एक एक बूंद करके EDTA आपका नीचे फ्लास्क में गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ग्लास को इस तरह से हिलाते हैं, ग्लास वाल का काम लोग हिलाते रहते हैं, जैसे ही ग्लास को हिलाते रहते हैं और ये टाइट्रेंट नीचे जाते रहता है तो इसका जो कलर है चेंज करता है, बस इसका जो कलर है प्यारे बच्चों पिंक से पर्पल हो जाता है। अगर कोई वाटर हार्ड है तो लगभग पिंक कलर का वो होता है और वो पिंक से क्या हो जाता है, पर्पल। जैसे ही इस हार्ड वाटर का क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, तो हम इसके डोर को ब्यूरेट के जो डोर है उसको बंद कर देंगे और हम मेजर करेंगे कि कितना अमाउंट EDTA यूज हुआ है कलर चेंज करने में। तो प्यारे बच्चों वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका मार्किंग क्या हुआ है, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, पास में यहाँ पे आपका मार्किंग क्या हुआ रहता है।
अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए इनिशियल में 30 ml पे था, जब कलर चेंज हुआ तो 20 ml पे आ गया, दैट मीन्स 10 ml EDTA यूज हुआ है। तो प्यारे बच्चों क्वांटिटी ऑफ EDTA के अनुसार हम लोग क्या बता देते हैं, उस वाटर का हार्डनेस बताते हैं। तो पहले बात हम लोग ये समझे प्यारे बच्चों, हार्डनेस जो होता है टाइट्रेशन प्रोसेस से करते हैं। उसका पूरा प्रोसेस ये है कि हम लोग ब्यूरेट में टाइट्रेंट रखते हैं, जो रिएक्शन जिससे करवाना है, हार्डनेस पता करने के लिए जो टाइट्रेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है EDTA, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड। अब नीचे रखते हैं हार्ड वाटर, फ्लास्क में रखते हैं हार्ड वाटर, और ब्यूरेट के डोर को ओपन करते हैं तो ये जो टाइट्रेंट है एक एक बूंद इस फ्लास्क में गिरने लगता है, और हम फ्लास्क को हल्का हल्का क्या करते हैं, शेक करते हैं, हिलाते हैं। जैसे ही शेक करते हैं प्यारे बच्चों, तो कुछ टाइम के बाद इसका जो कलर है वो पिंक से पर्पल हो जाता है। जैसे ही कलर पिंक से पर्पल हो गया तो हम क्या करेंगे, ब्यूरेट के डोर को बंद कर देंगे और हम ये देखेंगे कितना अमाउंट EDTA इसमें गया है कलर को चेंज करने में। तो उतना ही अमाउंट के अनुसार हम क्या बता देते हैं, उसका हार्डनेस बता देते हैं। कभी कभी प्यारे बच्चों इसका कलर चेंज नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें इंडिकेटर मिलाते हैं, पानी में क्या मिला देते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर जो इसमें मिलाते हैं हार्डनेस पता करने के लिए, वो होता है एरीक्रोम ब्लैक टी। सर ये इंडिकेटर क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई, मान लीजिए आप घर पे हैं, आप मान लीजिए घर पे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आपके पापा आते होंगे एक थप्पड़ जोर से मारे, एक थप्पड़ जैसे ही जोर से मारे तो वो आपका इंडिकेटर का काम किया, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ऐसा होता कि नहीं, अगर गार्जियन का थोड़ा प्रेशर आता है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते। सेम काम यहाँ पे करें, जो कभी कभी ऐसा होता है इस EDTA नीचे जा रहा है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होता, तो प्यारे बच्चों उसका कलर चेंज नहीं हो पाता, हो सकता कुछ ना कुछ कहीं पे गड़बड़ी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं उसमें इंडिकेटर डाल देते हैं। इंडिकेटर जो डालते हैं उसका नाम होता है एरीक्रोम ब्लैक टी। लग रहा है जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़े, इतना खतरनाक नाम आ रहा है ना। इंडिकेटर होता है जिसका नाम होता है एरीक्रोम ब्लैक टी। जैसे ही ये इंडिकेटर इस हार्ड वाटर में डालते हैं तो फिर कलर चेंज होना हो जाता है, मतलब आसानी से होने लगता है, ठीक है ना। तो ये था प्यारे बच्चों किस तरह से हम मेजर करते हैं हार्डनेस को, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हार्डनेस को हम मेजर करते हैं CaCO3 के टर्म में, किसके टर्म में, CaCO3 के टर्म में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि हार्डनेस को मेजर करते हैं किसके टर्म में, हार्डनेस को मेजर हम लोग करते हैं CaCO3 के टर्म में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बोर्ड पे देखते हैं कि हमने क्या लिखा है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय टाइट्रेशन प्रोसेस। हमने बोला प्यारे बच्चों हार्डनेस जो होता है वाटर को वो टाइट्रेशन प्रोसेस से मेजर करते हैं। नेक्स्ट, इन मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस को मेजर करने के लिए EDTA इज यूज्ड एज ए टाइट्रेंट। हार्डनेस को मेजर करने के लिए टाइट्रेंट के रूप में हम लोग EDTA को यूज करते हैं। EDTA का पूरा नाम है इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस एरीक्रोम ब्लैक टी इज यूज एज ए इंडिकेटर। प्यारे बच्चों जब हम हार्डनेस पता करते हैं वाटर का तो इंडिकेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं एरीक्रोम ब्लैक टी। क्या यूज करते हैं, एरीक्रोम ब्लैक टी यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्यारे बच्चों अभी हमने बताया कि हार्डनेस ऑफ वाटर को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में प्रेजेंट किया जाता है, और टोटल हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला होता है ये, कैल्शियम 2+ × 50/20 प्लस Mg 2+ × 50/12। ये प्यारे बच्चों 20 क्या है तो आप इसका मोलिकुलर वेट है, 12 क्या है तो Mg का मोलिकुलर वेट है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, परमिसिबल लिमिट ऑफ हार्डनेस इन अ ड्रिंकिंग वाटर इज लाइक बिटवीन 75 से 115 मिलीग्राम पर लीटर। प्यारे बच्चों पीने लायक पानी में जो हार्डनेस होता है वो 75 से 115 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में वैरी कर सकता है, ठीक है ना। अब एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर ऐसा कोई लिक्विड जिसका हार्डनेस 75 मिलीग्राम लीटर से कम हो, ऐसा कोई लिक्विड जिसका हार्डनेस का वैल्यू 75 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो तो वो कहलाता है, अगर वाटर का बात करें तो वो सॉफ्ट लिक्विड कहलाएगा, अगर वाटर होगा तो सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। अगर कोई लिक्विड जिसका की हार्डनेस का वैल्यू 200 मिलीग्राम पर लीटर हो तो वो कहलाएगा हार्ड वाटर या हार्ड
लिक्विड। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम पीते हैं 75 से 115, इसका मतलब है कि 75 से 115 ना तो वो सॉफ्ट कहलाएगा ना तो वो हार्ड कहलाएगा, क्योंकि सॉफ्ट कहलाने के लिए 75 से कम होना चाहिए और हार्ड कहलाने के लिए 200 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम जो वाटर यूज करते हैं पीने के लिए उसका हार्डनेस होता है 75 से 115, दैट मीन्स ना तो वो सॉफ्ट होता है ना तो वो हार्ड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, हम छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंसंट्रेशन इज 60 मिलीग्राम पर लीटर एंड 72 मिलीग्राम पर लीटर रिस्पेक्टिवली। तो प्यारे बच्चों हम लोग को फॉर्मूला पता है कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू होता है कैल्शियम 2 + 50/20 + Mg 2 + 50/12, ये पता है फॉर्मूला। तो टोटल हार्डनेस बराबर है कैल्शियम 2+ कितना है प्यारे बच्चों, 60 मिलीग्राम, 60 × 50/20 प्लस एमजी कितना है 72, तो 72 × 50/12 इसको काट लीजिए तो 3 × 12 = 72, ये हो गया 450 मिलीग्राम पर लीटर, 450 मिलीग्राम पर लीटर। प्यारे बच्चों इसमें हमने निकाला टोटल हार्डनेस निकाल लिया। जब भी आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन पता होगा तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके टोटल हार्डनेस निकाल सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टोटल हार्डनेस में कार्बोनेट हार्डनेस भी होगा और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी होगा, कार्बोनेट हार्डनेस भी होगा और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी होगा, बस समझ में आया। अगर हम कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में देखें, मतलब हम अगर हम कंपटीशन के बारे में बात करें, तो एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस होता है, टोटल हार्डनेस से वो पूछ देता है, टोटल हार्डनेस से पूछ देता है कि बताइए कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा। उसके लिए हमको पता होना चाहिए अल्कलिनिटी। अभी अल्कलिनिटी क्या होता है वो आप छोड़ दीजिए, अगर क्वेश्चन में अल्कलिनिटी का वैल्यू दिया रहे और टोटल हार्डनेस का वैल्यू दिया रहे तो हम लोग पता कर लेंगे कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। देखिए पहला क्या है, पहला केस वन कर देते हैं, केस वन वेन अल्कलिनिटी इज लेस देन टोटल हार्डनेस, वेन अल्कलिनिटी इज लेस देन टोटल हार्डनेस। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपको अल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस दिया रहेगा तो आप देख लीजिएगा कि अगर अल्कलिनिटी टोटल हार्डनेस से कम है तो कार्बोनेट हार्डनेस होगा कम वाला, मतलब अल्कलिनिटी के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा अल्कलिनिटी के बराबर हो जाएगा, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा टोटल हार्डनेस माइनस अल्कलिनिटी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट, अभी फिलहाल आप दिमाग मत लगाइए कि अल्कलिनिटी क्या होता है, बट आप ये दिमाग लगा लीजिए कि अगर क्वेश्चन में अल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस दिया हुआ रहेगा तो ये प्रोसेस है चेक करने का कि उसमें कितना कार्बोनेट हार्डनेस है और कितना नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। तो अगर अल्कलिनिटी का वैल्यू मान लीजिए, 100 मिलीग्राम पर लीटर दे दिया और टोटल हार्डनेस का वैल्यू मान लीजिए 150 मिलीग्राम पर लीटर दे दिया, ये मान लीजिए टोटल हार्डनेस दिया है, ये मान लीजिए अल्कलिनिटी दिया, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अल्कलिनिटी क्या है, टोटल हार्डनेस से कम है। तो ये पहला केस आ जाएगा कि अल्कलिनिटी टोटल हार्डनेस से कम है तो जिसमें कार्बोनेट हार्डनेस जो होगा वो छोटा वाला होगा, मतलब अल्कलिनिटी के बराबर होगा, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो होगा टोटल हार्डनेस माइनस अल्कलिनिटी। अब इसको एक बार जोड़ के देखिएगा किधर भी आएगा, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बराबर टोटल हार्डनेस, इधर भी जोड़ेंगे तो अल्कलिनिटी अल्कलिनिटी कट जाएगा तो टोटल हार्डनेस आ जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि अगर हमको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस को अलग करना रहे तो हमको अल्कलिनिटी का यूज करना पड़ता है। चलिए केस टू, वेन अल्कलिनिटी ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस, जब आपका अल्कलिनिटी का वैल्यू टोटल हार्डनेस से भी बड़ा हो तो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा टोटल हार्डनेस के बराबर और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा जीरो। याद रखिएगा प्यारे बच्चों दोनों केस याद रखिएगा कि जब अल्कलिनिटी का वैल्यू टोटल हार्डनेस से, इतना याद रखिएगा ना कि कार्बोनेट हार्डनेस हमेशा छोटा होता है,
कार्बोनेट हमेशा हार्डनेस हमेशा छोटा वाला होता है, तो दोनों में छोटा कौन अलग अलग डिग्री रख दिया कार्बोनेट हार्डनेस में, दोनों में छोटा कौन टोटल हार्डनेस, तो टोटल हार्डनेस रख दिया कार्बोनेट हार्डनेस में, जो छोटा होता है वही कार्बोनेट हार्डनेस होता है, और कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को जोड़ के टोटल हार्डनेस के बराबर होना भी चाहिए। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों हार्डनेस के बारे में। तो हमने केमिकल पैरामीटर्स में पीएच पीओएच पढ़ लिया और फिर उसके बाद हमने हार्डनेस ऑफ वाटर भी पढ़ लिया। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।